मैं जिंदा रहूंगा तो खवाई दूंगा ना, फिर लोग मुझे मार देंगे। कैसी तेरी खुदगर्ज़ी। मेरी बीवी गांव है, गांव में है। इसलिए मैं पिस्तौल के साथ आया था, वरना मालिक ने उसे मरवा देना था। तुम्हें यहाँ बाबा साहब ने भेजा? जी। अगर यहां से थोड़ी देर तक गोली चलने की आवाज ना आई तो बाहर खड़े पुलिस वालों ने मुझे अंदर आके मार देना, और मैं कुछ नहीं कर सकता। बस मरने से पहले आप लोगों से माफी मांगना चाहता था। हो सके तो मुझे माफ कर दे। तुम एक काम जरूर कर सकते हो। आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। मैं आप दोनों का गुनाहगार हूं। बाबा साहब के खिलाफ गवाही दोगे? भाई हाँ मैं जिंदा रहूंगा तो खवाई दूंगा ना, फिर लोग मुझे मार देंगे। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मैं बचाऊंगा तुम्हें, मैं संभाल लूंगा उन लोगों को। मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए, मेरी बीवी गांव में है, बस उसे किसी महफूज मकाम तक पहुंचाओ। ठीक है जाओ तुम, लेकिन सुनो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और उम्मीद करता हूं कि तुम लौट कर आओगे। मैं वादा करता हूं, मैं वापस आऊंगा। शायद इसी बहाने मेरे कंधों पे जो गुनाहों का बोझ है वो कम हो जाए। रुको, काम आएगी तुम्हारे, रख लो। इस दरवाजे से नहीं जाना, पीछे एक दरवाजा है, वहां से जाओ।